फ्रेंड्स, आज मैं पास्ता बनाऊंगी। सबसे पहले हम इसमें वाटर डालेंगे, आप अपने हिसाब से गर्म या ठंडा दो डाल सकती हूँ। उसके बाद हम इसमें आधा पास्ता डालेंगे। हम इसमें अपने हिसाब से पास्ता डालेंगे, आपको कितना बनाना है उस हिसाब से। और साथ ही में हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। फ्रेंड्स हम इसमें 1 स्पून सॉल्ट डालेंगे। फ्रेंड्स ये खिला खिला बने, इसलिए हम इसमें 1 स्पून ऑयल भी डालेंगे और हम इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे जिससे ये सॉफ्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स हम यहाँ पर शिमला मिर्च, टोमेटो, कद्दू, आप आलू भी ले सकते हो कद्दू की जगह, या फिर आप दोनों ले सकते हो। धना जिसको हमने चॉप कर लिया है, बारीक बारीक काट लिया है। इस शेप से हम हमारी शिमला मिर्च, टमाटर, कद्दू को काट लेंगे। ले तो तलाएंगे। फ्रेंड्स हम टमाटर को काट रहे हैं, इसको भी हम बारीक चॉप करेंगे। हम हमारा पास्ता में बॉईल आ रही है, इसलिए हम इसको चेक करेंगे हैंड की हेल्प से, ये बॉईल हुआ है या नहीं। ये बॉईल हो गया है, ये सॉफ्ट हो गया है। को इस चैनल की हेल्प से निकाल लेंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। फ्रेंड्स हम पास्ता इस चैनल की हेल्प से इस टाइप से छान लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई वापस से गर्म होने रख दी थी, इसको पानी टूटने टूट जाएगी, उसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये देखिए हम इसमें, फ्रेंड्स हमने इसमें हॉट एंड कोल्ड दो ही मिक्स वाटर ऐड किया है, और ये हमने मार्केट से मिट्टी के दोने मंगवाए बाउल्स। हम इसको धोकर और पानी में रख देंगे थोड़ी देर, हमारा पास्ता रेडी होएगा इतनी देर। फ्रेंड्स हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और इसको हम हॉट कर लेंगे। हमारी कढ़ाई गर्म थी इसलिए वो स्टेप कर रही है, हमने कढ़ाई को पे। और हम इसमें मिर्ची और प्याज फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स हम इसमें कद्दू डालेंगे, टमाटर डालेंगे, शिमला मिर्ची डालेंगे, मूली डालेंगे। मूली ऑप्शनल है, आप आलू भी ले सकते हो। जो वेजेस आपको अच्छी लगती है, मटर, आलू, जो भी आपको वेजेस अच्छी लगती हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। और हम इसको मिक्स करेंगे। देना लाओ मैं करूँ, मुझे ऑयल कम लग रहा है, थोड़ा सा ऑयल ले लो। बस तभी अमी सब्जियां ही नहीं हो पा रही थी उसमें, बस खाली मिर्ची और टमाटर पे वो फिल हो गया था, मिर्ची और टमाटर पी गया था पूरा। फ्रेंड्स हम इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स हम इसको ढककर आधा मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। हमारी सब्जियां गल जाएंगी। आधा मिनट हो गया है, हम इसको मिक्स करेंगे। ये हमारी सब्जी अच्छे से नहीं गली है, इसलिए हम इसको आधा मिनट और पकाएंगे। फ्रेंड्स हमारी सब्जी 1 मिनट में गल कर रेडी हो गई है। फ्रेंड्स अब आप इसमें हम पास्ता डालेंगे। हम हमारा पूरा पास्ता इसमें डाल देंगे, जितना भी हमने उबाला था। आप देख सकते हो हमारा ये पास्ता बहुत अच्छा फूला है। हम इसको मिक्स करेंगे, खुशबू इतनी टेस्टी आ रही है, इसमें से खुशबू और टेस्टी आ रही है। इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये कितना कलरफुल रेडी हुआ है। हम इसको आधा मिनट और वेजिस के लिए खुला पकाएंगे। और इसमें हम टोमेटो केचप डालेंगे 1 टेबल स्पून केचप डालेंगे हम इसमें।
हम इसमें ये वाला मसाला डालेंगे, नूडल्स मसाला। इनको सर्व कर लिया है, ये देखिए ये कितने प्यारे लग रहे हैं। आपको इब्राहिम खाकर बताएगा पास्ता, इब्राहिम आपको खाकर बताएगा कैसा लगा। सब्जी तो निकाल दो, खाओ जल्दी से, कैसा लगा? अभी तो लूटो, अभी जो बनता लो। कैसा लगा? यम्मी एंड टेस्टी। कैसा लगा? अच्छा, यम्मी एंड टेस्टी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।